हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड फेवरेट वोकैबुलरी शो द हिंदू वोकैबुलरी सीरीज का। ये नेक्स्ट पार्ट है जहां पर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, आपको पता है एडिटोरियल का कोई भी ऐसा पैराग्राफ, कोई भी ऐसा पैसेज जहां पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज होता है जिसमें हम सिर्फ वर्ड मीनिंग्स कवर नहीं करते, साथ ही साथ पैसेज को कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है, आपके पैसेज की रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है वो भी कवर करते हैं। तो विच मेक्स दिस पर्टिकुलर वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल एंड दोज आर हु आर न्यू, डो नॉट फॉरगेट टू वॉच इट द एंटायर वीडियो। सो लेट्स सी अ कैंपेन दैट स्टार्टेड प्रॉमिसिंगली विद फोर विंस। प्रॉमिसिंगली मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं कि आपको लगे कि पैसा वसूल है कोई चीज़। अ कैंपेन दैट स्टार्टेड प्रॉमिसिंगली विद फोर विंस आउट ऑफ सिक्स फर्स्ट सिक्स गेम्स ग्राउंड टू अ हॉल्ट टेमली ऑन सैटरडे। नाउ देयर इज अ वेरी नाइस वर्ड विच सेज टेमली। जब हॉल्ट वर्ड आया तो उसका मतलब पॉज है, आपको पता है पॉज। पर टेमली वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब बच्चों सबड्यू भी हो सकता है, सबड्यूड कह लो यहाँ पे पास्ट टेंस में। अगर मैं बोलूँ इसका मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा ही सबमिसिव, मतलब जो बिल्कुल मतलब समझते हो सबमिट कर दे अपने आप को और बिल्कुल भी अपनी बात को ना रख पाए, ना थोड़ा सा मुखर होकर बोल पाए, उसको बोलते हैं। इन बेंगलुरु एस सी एस के क्रैश्ड आउट ऑफ द ग्रुप स्टेजेस ऑन नेट रन रेट। सी एस के बाहर हो गई नेट रन रेट की वजह से, इट्स लॉस टू RCB से हारने के बाद। इफ देर इज एवर अ नीड फॉर एविडेंस, अगर कभी आपको सबूत की आवश्यकता है, दैट मोमेंटम कैन प्ले अ वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन अ टीम्स फॉर्च्यून मतलब तकदीर। द कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जो उसके डिसिमिलर है, जैसे आपने देखा होगा एक ब्लैक है तो एक वाइट है, ग्रीन है तो ब्लू है, ऐसे करके कॉन्ट्रास्टिंग कलर से सेम कलर्स ना हो या सेम चीज ना हो ऑपोजिट में। RCB एंड CSK दिस ईयर आर प्रूफ ऑफ दैट, ये उसका सबूत है इस बार दोनों टीमों का। द रेनिंग चैंपियन पिक्ड अप मोइन अली इन प्लेस ऑफ द कीवी ओपनर। जो रेन मतलब जो ऑलरेडी रूल कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो जो चैंपियन है, उन्होंने मोइन अली को यूज कर लिया बजाय कीवी न्यूजीलैंड के ओपनर को यूज करने के बजाय। कंसिडरिंग ही ब्रॉट वेराइटी टू द अटैक विद हिज ऑफ स्पिन, उसके पास ऑफ स्पिन कराने का जो तरीका है ना कि लेग स्पिन कराने का। बट द इंग्लैंड ऑलराउंडर वॉज अंडर यूटिलाइज, जो इंग्लैंड का ऑलराउंडर है उसको यूटिलाइज नहीं किया, अंडर यूटिलाइज का मतलब है विद बोथ बैट एंड बॉल, उसको ना बैटिंग में यूटिलाइज कर पाए ना बॉलिंग में, अंडर यूटिलाइज रहा। इट माइट हैव बीन प्रूडेंट वर्ड का मतलब होता है कॉशियस मतलब जो होता है, जो जिसको कहा जाए कि सतर्क रहने के सेंस में कहा जाए, ऐसे कह सकते हैं। हैव बैक्ड मतलब सपोर्टेड रविंद्र इन सच अ सिनेरियो, किसको सपोर्ट किया है रविंद्र को ऐसे केस में। तो आपके पास कुछ वर्ड्स आ गए, टेमली एविडेंस कॉन्ट्रास्टिंग मतलब रेनिंग अंडर यूटिलाइज प्रूडेंट सिनेरियो। ये सिंपल से वर्ड्स मैं आपसे चाहूँगा जो हमने आज इस शॉर्ट वीडियो में सीखे हैं। क्या आप में से कोई स्टूडेंट है जो कमेंट सेक्शन में जाकर इन सारे वर्ड्स के मीनिंग लिख सकता है? लेट्स सी, अगर किसी ने सही मीनिंग लिखे तो उसके आंसर को हार्ट दिया जाएगा एंड वील वेट फॉर योर आंसर। So thank you so much for watching and do not forget to share and subscribe the channel.